हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्टिन। दोस्तों, आकाश में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसे देखकर हमारे मन में कई सवाल पैदा होते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण कब और कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है और सुपर मून किसे कहते हैं, और इसी तरह ब्लड मून कब दिखाई देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट इन को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर ले, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जब भी लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों, आपने कभी न कभी सुपर मून के बारे में जरूर सुना होगा, पर आपने कभी जानने की कोशिश की है ऐसा किस कारण से होता है? नहीं तो चलिए आज जानते हैं। दोस्तों, जब चांद अपने सामान्य आकार की तुलना में बड़ा और बेहद चमकदार नजर आता है तो उसे सुपर मून कहा जाता है। इस दौरान चांद का आकार सामान्य आकार की तुलना में करीब 14% बढ़ जाता है और इसका चमक पहले के मुकाबले 30% ज्यादा बढ़ जाती है, तब इसे सुपर मून कहा जाता है। अगर विज्ञान के अनुसार इसे समझे तो धरती से चांद की दूरी लगभग 4,06,692 किलोमीटर की है और साइंस की भाषा में साइंटिस्ट द्वारा इस दूरी को एपोजी कहा जाता है। वहीं जब चंद्रमा और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब इन दोनों के मध्य की दूरी 3,56,500 किलोमीटर हो जाती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पेरिजी कहा जाता है। इस दौरान जिस दिन चांद और धरती एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं उसी दिन सुपर मून दिखाई देता है। सुपर मून पूर्णिमा के दिन दिखाई देने वाले एक सामान्य चांद की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि चांद सामान्य चांद की तुलना में धरती के बहुत करीब होता है, जिसके कारण यह काफी बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। और आपको इस सुपर मून को देखने के लिए किसी खास तरह के लेंस या फिर किसी खास अन्य उपकरणों की जरूरत नहीं होती है, इसे आप आसानी से कहीं से भी देख सकते हो। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदैव अमावस्या को ही होती है। दोस्तों, अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है, यह स्थिति आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि चांद सूरज को पूरी तरीके से ढक लेता है और इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरीके से ज्यादा 7 मिनट तक ढकता है। इस समय आसमान में अंधेरा हो जाता है, या यू कहे कि दिन में ही रात हो जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पूरी तरीके से या आंशिक रूप से ढक जाती है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती है, इसे चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स कहते हैं। दोस्तों, यहां एक बात नोट करने वाली है कि आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब चंद्रमा पृथ्वी के इस भाग से गुजरता है जिसे पेनम्ब्रा कहते हैं, जो हल्का लाइट वाला पोर्शन है, तब इस स्थिति में आंशिक चंद्र ग्रहण या पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। और यही जब पृथ्वी के डार्क पार्ट से गुजरता है इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण या टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। दोस्तों, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा रेड दिखाई देता है, तब इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों होता है, चंद्रमा रेड क्यों हो जाता है? तो दोस्तों, सूर्य से कई रंगों की किरणें निकलती है और जब यह किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल्स से होकर गुजरता है तब लाल किरणों को ही पास होने देता है और बाकी रंगों को वायुमंडल में बिखेर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी रंगों की वेवलेंथ कम होती है अपेक्षाकृत लाल रंग की। लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होने के कारण ये आगे तक पहुँच पाता है और जिसकी वजह से चंद्रमा लाल दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से कुछ डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो वो भी हमें कमेंट जरूर करें।